मायावती का जो आज स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके से मायावती ने ये कहा है कि वो सोचेंगे इस बारे में, अंतिम फैसला उनको ही लेना है, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? उनका जो उन्होंने कहा है कि उनको अंतिम फैसला लेना है, उनकी सोची समझी रणनीति है। उनको सबको ही पता था कि वो यही फैसला लेंगी और बाद में वो समर्थन वापस लेने नहीं जा रही हैं। उनको पता है कि अगर समर्थन वापस लेते हैं वो, तो उनकी उपयोगिता वैसे भी प्रदेश में खत्म हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में, और कहीं भी उनकी उपयोगिता है नहीं। इसके अलावा ताज कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उसमें भी सीबीआई जांच कहीं तेज ना हो जाए, उससे अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और सबको पता है कि वो यही फैसला लेंगे कि वो समर्थन जारी रखेंगे। लेकिन राघवेंद्र जी, आपका भी समर्थन जारी है केंद्र सरकार को, भले ही आप सड़कों पर विरोध कर रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है? हमारा जो समर्थन उनको चल रहा है, हमने पहले ही ये घोषणा कर दी थी। इन्होंने जो मायावती जी ने अभी जो सस्पेंस रखा हुआ है, वो यही देखते हुए कि सपा ने इनको समर्थन अभी जारी रखा हुआ है, अगर मैंने समर्थन वापस ले लिया तो हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का नामो निशान, जो थोड़ा बहुत नाम आ रहा है, वो भी खत्म हो जाए। लेकिन राघवेंद्र जी, आप और हो या बसपा हो, दोनों ये बात तो बड़े खुले तौर पे बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं, लेकिन आप उन्हीं जन विरोधी सरकार के साथ आप उनको समर्थन देने में लगे हुए हैं, ये बात जनता की समझ से परे है। देखिए, जन विरोधी जो भी नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा चली हैं, उनका हमने खुले तौर पर उनका विरोध किया है और आगे भी विरोध करते रहेंगे। हम नेताजी ने कहा भी है, हम इनका विरोध करेंगे, लोकसभा में भी विरोध करेंगे। चलिए, ये देखना होगा कि किस तरीके का विरोध करेंगे, लेकिन ये आम जनता की समझ से कम परे है कि अगर आप उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो समर्थन क्यों है। चलिए राघवेंद्र, माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये मायावती का जो आज स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके से मायावती ये बात कह रही हैं कि वो समर्थन वापसी पे सोच सकती है, अंतिम फैसला लेंगी, क्या इसके पीछे की वजह आप देख पा रहे हैं? नहीं, मायावती जी ने जो अपना निर्णय लिया कार्यकारिणी में, अपनी कार्यकारिणी में, उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं केंद्रीय सरकार को अपना समर्थन नहीं दे रही हूं। नहीं, समर्थन तो दे रही है। उनका जारी है, समर्थन जारी है, लेकिन जारी है, अंतिम फैसला वो ले सकती हैं। आपको बहुत खरी खोटी सुनाई है आज, मायावती ने स्पष्ट तौर पे बोला है जो केंद्र सरकार है वो जन विरोधी सरकार है, उसकी जो भी नीतियां रही हैं वो आम जनता के बिल्कुल खिलाफ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्ते नहीं खोल रही हैं, इसके पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, उसकी जो भी वजह होगी वो अपना उनका अंदरूनी मामला है बसपा का। बसपा अभी तक हमारे साथ खड़ी हुई है, बसपा हमको समर्थन कर रही है देश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश, प्रदेश के अंदर जो उनका अपना राजनीतिक धरातल है उसके ऊपर वो राजनीतिक, वहां पर सरकार, सपा की सरकार है वहां पर जी। लेकिन राघवेंद्र जी तो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीबीआई का उनको डर सता रहा है या सीबीआई की जो पीछे उनके पीछे छोड़ दी जाएगी, इस वजह से मायावती समर्थन है वो केंद्र सरकार को दे रही है? नहीं आयुष जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो सीबीआई है, सीबीआई स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, लेकिन एक चीज उसमें ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर जांच करने के लिए आदेश करेगी तो सीबीआई स्वतंत्र है उसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जो अपनी सपा की पार्टी जो है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जब चाहे सीबीआई से जांच करा सकती है, स्वतंत्र है सीबीआई अपनी जांच करने के लिए। लेकिन आवाना जी, यहां पे गडकरी जी भी बयान दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और आज उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो किसी भी सीबीआई के जो अफसर हैं जो सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, खुद सीधा सीधा आरोप बीजेपी भी लगा रही है। ये बात माननी पड़ेगी कि केंद्र सरकार के अधीन होके ही सीबीआई काम करती है, कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार को जो प्रदेश सरकार है उससे आदेश लेना बहुत जरूरी होता है, उसकी सहमति लेनी बहुत जरूरी होती है, तभी सीबीआई आगे बढ़कर काम करेगी अपना। सीबीआई इस मामले में स्वतंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार जब जांच चाहेगी, मायावती की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। चलिए दीपक जी, आपके पास आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके हिसाब से आज मायावती का जो भी कुछ निर्णय रहा है या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे सिर्फ एक बात झलक रही है कि ये एक राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही है या एक राजनीतिक सौदेबाजी हो रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि वो समर्थन वापस लेना चाहती हैं, दूसरी तरफ वो कहती हैं वो मध्यवर्ती चुनाव भी नहीं चाहती, तो इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर वो दबाव बनाना चाहती हैं और उस दबाव के जरिए वो अपने कहीं ना कहीं काम निकलवाना चाहती है। देश की जनता इस बात को जानती है और वो देश की जनता को बेवकूफ बनाकर वो ये चाहती है कि भाई कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक हितों को साधें और केंद्र सरकार से जो उनके पेंडिंग इश्यू जो पड़े हुए हैं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, वो उस बिल को पास कराना चाहती हैं दबाव बना के, और चाहे वो जो ताज कॉरिडोर का मामला है जिसमें सीबीआई जांच करने की बात की गई है,
चाहे वो सीबीआई का दुरुपयोग चाहती है कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस पर प्रेशर बनाया जाए और सीबीआई उनके खिलाफ कोई साक्ष्य पेश ना करे, या इस तरह का कुछ ना कुछ सौदेबाजी, एक राजनीतिक सौदेबाजी वो चाहती है, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं। जी चलिए आवाना जी, आज अगर शरद पवार की मैं बात करूं, एनसीपी आपकी खुद की सहयोगी पार्टी है, खुद इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव के लिए आप तैयार रहिए, इन सबके क्या मायने निकाले जाए? वाकई में जो यूपीए सरकार के ऊपर है संकट मंडराता आप यहां पर देख पा रहे हैं? नहीं, शरद पवार जी की अपनी अपनी पार्टी है उनकी, हमारे लोग हम लोगों के साथ में शरद पवार जी हैं, लेकिन हमारी सरकार में शामिल है, और लेकिन वो अलग होने के बाद आपकी प्रमुख सहयोगी पार्टी है। नहीं, सहयोगी पार्टी है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी अपना जो आगे की रणनीति है, आगे सरकार हमारी कितने 5 साल पूरा कर पाती है नहीं कर पाती वो अलग चीज है, लेकिन शरद पवार जी अपनी पार्टी का जो अपना एजेंडा है उसको लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चल पाएगी तो वो अपना चुनाव में जाने के लिए स्वतंत्र है, उनके लिए कोई ऐसा दबाव नहीं। चलिए राघवेंद्र जी, मध्यावधि चुनाव की बात आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार करी जा रही है, मायावती जी भी बोल रही हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को समर्थन भी जारी रखेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को आने नहीं देंगे, इन सारे विरोधाभासी बयानों के क्या मायने निकाले? देखिए, अभी बहुत सी पार्टियां जो है जो केंद्र सरकार से समर्थन